कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन का रोष धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। आज के धरने की अध्यक्षता कनुरपाल लाइनमैन और मंच का संचालन ओम प्रकाश सैनी ने किया। आज के धरने में मुख्य रूप से बिजली निगम के अधिकारियों द्वारा निगम में किए जा रहे गलत कामों के बारे में बताया और अध्यक्ष ने कहा कि यूनियन लगातार कर्मचारियों की ड्यूटी उनके कैडर के मुताबिक लगाने के लिए कह रही है, पर अधिकारी यूनियन की मांगों पर कोई धरना नहीं दे रहे और उल्टा इसे दो यूनियन की लड़ाई बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अपने गलत कामों को लगातार कर रहे हैं और सरकार सभी विभागों को निजी करने में जुटी हुई है। आज हमारा जो प्रदर्शन है केंद्र हमारी कमेटी है उसके आह्वान के ऊपर जो निगम मैनेजमेंट ने ऑनलाइन ट्रांसफर की है उसके अंदर निगम मैनेजमेंट का ये तर्क था कि जो वर्कलोड कर्मचारियों के ऊपर बढ़ रहा है उसके एवज के अंदर हम कर्मचारियों का वितरण कर रहे हैं, जो समायोजित कर रहे हैं दूसरे महकमों के अंदर। और इसमें हमारा एक कहना ये है कि जो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, इसके अंदर जो खाली पड़े पदों के हैं अनियमितताएँ इसके अंदर जितनी भी है उसको सुनिश्चित किया जाए। उसके पहले हमारा जो रिस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा था जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ समिति HSC वर्कर यूनियन ने जो किया था उस रिसर्च के अंदर मुद्दा हमारा मान लिया गया था बड़े संघर्ष के बाद के अंदर मैंने जो है सरकार के पास में वो लेके आए थे। तो उसके अंदर क्या है कि 35% जो कर्मचारी है वो उन्हीं महकमों के अंदर उसमें दफ्तरों के अंदर लगने हैं जो रिसर्चिंग के होके आने हैं। और विभाग हमारा ये कह रहा है कि जो ये ट्रांसफर हम कर रहे हैं ऑनलाइन के ये 25% कर्मचारियों को जो है दूसरे दफ्तरों के अंदर समायोजित करेंगे। तो इससे हमारा ये कहना लग रहा है कि मतलब ना तो ये निगम मैनेजमेंट के हक में है और ना ये कर्मचारी के हित में है, ना इसके जनता को कोई लाभ होने वाला है। तो हमारा आपके माध्यम से ये कहना है मैनेजमेंट को भी और सरकार को भी कि ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बिजली जैसे महकमे के अंदर कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है वो बहुत कुछ अलग टाइप का है, इसके अंदर जोखिम कुछ अलग टाइप का है। एक कर्मचारी दूसरे से जाता है वहाँ पर क्या क्या मतलब उसके सामने मतलब दिक्कतें आती है, कैसे लाइनों के ऊपर करंट आते हैं, लाइनों की जितना क्रॉसिंग है इसके अंदर यह है कि ये जो है ऑनलाइन ट्रांसफर यहाँ से रद्द किया जाए। हमारा जो आज का प्रदर्शन है जो हरियाणा सरकार ने हमारा जो HSC पावर है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बिजली विभाग में लागू की है वो सरासर गलत है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे विभाग में लागू करने से ना तो कर्मचारी का हित है ना इसमें जनता का हित है, क्योंकि एक एक कर्मचारी 20-20 साल से बैठा है उसकी पूरी लाइनों का नॉलेज है। अगर वो नई जगह पर जाएगा लाइनें बिछी हुई हैं, स्टाफ की कमी है, मान लो एक कंप्लेंट सेंटर पर एक बिजली घर पर दो या तीन आदमी, अगर उसमें से दो आदमी उठा दिए जाते हैं वो जिस भी नई जगह जाएंगे तो उस नई जगह को परखने में कम से कम एक साल लगता है साथियों। और बिजली का महकमा ऐसा है आपको सबको पता है भी कंज्यूमरी कंप्लेंट भी आती हैं, ट्रांसफार्मर भी डैमेज होते हैं, लाइनें भी खराब होती हैं, आंधी तूफान में सर हर काम होता है, तो कोई भी आदमी इसमें इतने एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे जिसके इतने दुर्घटनाएं होंगी। इसमें पहले हमारे आदमी बहुत कमी है, कम से कम सिर्फ हमारे पास 25-26% आदमी है इस टाइम। सरकार को चाहिए पहले जो हमारी खाली पोस्टें हैं उन पोस्टों को पूरा करें, उसके बाद सोचे, फिर जो हमारे यूनियन ने सुझाव दिया था इस पॉलिसी के अंदर कुछ खामियां हैं इन खामियों को दूर करके पॉलिसी को लागू कर दो, हमें कोई इतराज नहीं है, ना ही सरकार ने सुनी ना ही मैनेजमेंट ने सुनी। तो जिस दिन भी पॉलिसी लागू की हमारे केंद्रीय परिषद ने हमें आदेश किए हैं भी सभी लेवल पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करना है और हमारे धरने प्रदर्शन जब तक जारी रहेंगे जब तक हमारी केंद्रीय परिषद कहेगी। आज हमारे इस धरने प्रदर्शन का तीसरा दिन है साथियों और आगे जैसे भी जो भी आदेश आएंगे हमारा एक एक कर्मचारी केंद्रीय परिषद के आदेश पर फूट चढ़ाएगा। बता दें कि बिजली कर्मियों का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर्मचारी और उपभोक्ताओं दोनों ही हित में नहीं है, इसीलिए यूनियन इसका विरोध करती है। सरकार इसे रद्द करती तो यूनियन इसके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।